हेलो नमस्कार भंडार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक आदेश दिखाने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। वर्ष 2023-24 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। योग्यता क्या चाहिए अतिथि शिक्षकों को, कौन कौन से अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल कुछ काज बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। 25/9 को आदेश जारी किया गया था कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर द्वारा। प्रीति जो भेजी गई है संकुल प्रचारी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल को भेजी गई। दूसरी भेजी गई विकास खंड शिक्षा अधिकारी उदनी सीहोर। विषय है शैक्षण सत्र 2023-24 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने बाबत। ठीक है, अतिथि शिक्षकों के जो रिक्त पद है उन पर व्यवस्था करने हेतु बाबत की गई। संदर्भ समस्त अतिथि शिक्षक जिला सीहोर द्वारा प्रस्तुत आवेदक दिनांक 25/9/2023 को। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भ आवेदन द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग नियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मेरिट के क्रम में चयनित अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को विभिन्न संकुल प्रचार्य द्वारा अध्ययनकारी से पृथक किया जा रहा है। अतः सभी संकुल प्रचारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि लोक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक दिनांक 27/2023-24 167 भोपाल दिनांक 5/7/2023 में दिए गए निर्देश अनुसार ही शैक्षण सत्र 2023-24 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, जो आदेश जारी किया गया था 5/7/2023 को, उसके अनुसार ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की जाएगी। उपयुक्त निर्देश विरुद्ध ना हो तो किसी भी अतिथि शिक्षक को पद से पृथक किया जाए और ना ही अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित किया जाए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 5/7/2023 को दिए निर्देश अनुसार शैक्षण सत्र 2023-24 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। ठीक है, जो आदेश जारी किया गया था, उपयुक्त निर्देश विरुद्ध न हो किसी को अतिथि शिक्षक पद से पृथक किया जाए और ना ही अतिथि शिक्षक पद हेतु आमंत्रित किया जाए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अतिथि शिक्षक को ना तो पृथक किया जाएगा, ना निकाला जाएगा, ना नए अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है संचालन पत्र क्रमांक 167/5/7/2023 संचालन पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक दिनांक 4/7/2019 राज्य शासन पत्र क्रमांक ठीक है, इसमें स्पष्ट है आदेश में कि अतिथि शिक्षकों को निकाला ना जाए, निकाल के नई भर्ती नहीं करना, उसका आदेश जारी किया गया। और इसमें बोला गया है उपयुक्त पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। उपयुक्त अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश।